दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं जो आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो आप शुरुआत से ढोलक कैसे सीखेंगे वो वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ। तो अभी मैंने आपको वीडियो डाला था कि आप बेस कैसे बजाएंगे, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप छाती पर उंगलियां कैसे चलाएंगे। तो देखिए, ये छोटा भाग छाती कहलाता है जहां पर हमको उंगलियां चलानी है। तो मैं आप लोग को बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ, और यदि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, मन लगाकर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी छाती पर उंगलियां चलाना आ जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा मन लगाकर प्रैक्टिस करिएगा, 1 घंटे रोज बजाइए, फिर देखिए आप लोग को कैसे आप लोग को ढोलक आती है और आप सब प्रकार की ताल बजा पाएंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिल्कुल ढोलक सीखना मेरे वीडियो को देख देख करके स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए आपको कैसे ढोलक आती है। तो चलिए, हम छाती पर कैसे बजाएंगे मैं आप लोग को बताती हूँ बहुत इजी तरीके से। अब देखिए, छाती पर जो हम उंगलियां चलाते, तो ये 3 उंगली हम ग्रुप में लेते हैं, ये 3 उंगली, और ये 1 सिंगल उंगली नीचे लेते हैं, 3 ये जो ग्रुप में ऊपर मारते हैं, और ये 1 सिंगल उंगली नीचे मारते हैं, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, इस तरह से लेते हैं। अब देखिए, जो उंगली का ये ऊपर का भाग है, इसको हम और यहां ऊपर ही मारते हैं। देखिए, यहां बीच में नहीं मारेंगे, ये कैसी आवाज आ रही है देखिए आप, कहां लेंगे, यहां। इस तरह से हमको लेना, तो कैसे लेंगे हम देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लेना। अब आपके हाथ, मान लो उंगलियां एक साथ नहीं चल रही, तो पहले आप 3 उंगली की प्रैक्टिस करिए। कैसे करेंगे आप, इस तरह से आप पहले 3 उंगली की प्रैक्टिस करिए, और ये 3 उंगली यदि आपकी एक साथ नहीं हो रही हैं, तो एक कोई रबर बैंड ले लीजिए सॉफ्ट वाला, उसको आप 3 उंगलियों में फंसा लीजिए, और फिर उससे आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिए जब तक आप लोग की सेट नहीं होती उंगलियां, फिर उसके बाद रबर बैंड निकाल दीजिए इस तरह से, इस तरह से मारिए। तो हम कैसे लेंगे, देखिए कैसे बजाएंगे छाती पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे आप लोग को सीधे सीधे नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा गुनगुनाते हुए ले लीजिए, धुन में ले लीजिए, कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लेते जाइए थोड़ा सा गुनगुनाते हुए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, से आपको प्रैक्टिस करनी है। और उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, जिससे उंगलियां अच्छे से मूव करें, सीधी सीधी हमको उंगली ऐसे नहीं लेना, इस तरह से नहीं लेना, देखिए कैसी आवाज आती है, हमको बिल्कुल हल्का हाथ कर देना है, हल्की बिल्कुल उंगलियां मूव हो अच्छे से,
प्रैक्टिस करनी है। एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, इस तरह से भी आप बजा सकते हैं। एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, ला 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 तो तीन प्रकार से मैंने आप लोग को उंगलियां कैसे चलाएंगे प्रैक्टिस करिए। जिस तरीके से ये आप लोग की उंगलियां मूव हो उस तरीके से आप बजाइए, क्योंकि हर ताल में उंगलियां हमको ये तीन बार बजानी चार बार बजानी ये तो अलग अलग रहता है, पर आपको अभी उंगलियां चलाना सीखना है तो इस तरह से आप लोग को बजाना सीखना है। एक दो तीन चार पांच छह ऐसे बजाइए पहले, फिर एक दो तीन चार पांच छह, प्रैक्टिस करिए इसको आप बहुत तेज करिए। अब मैं आप ताल कैसे बजाएंगे दोनों को मिला करके बहुत ही सरल सरल ताल मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और जैसा मैं बताती हूँ वैसे ही बजाइए, और कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद। जय माता दी।